ओम श्री गणेशाय नमन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा नगरी में हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साल 2024 में अगस्त महीने में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग क्या है, जानेंगे इसके बारे में। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग में मनाया जाएगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का पर्व करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले इस बार एक ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त प्रातःकाल 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त प्रातःकाल 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त सायंकाल 3:55। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त सायंकाल 3:48। निषिद्ध काल पूजा का समय रहेगा 26 अगस्त रात्रि 12:00 से लेकर 12:45 तक। पारण का समय रहेगा 27 अगस्त प्रातःकाल 5:56 के बाद। दही हांडी 27 अगस्त मंगलवार। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।